हाँ, यूना समझते हो जिसको परमेश्वर ने कहा जा नीवने को जा, जा मेरे जाकर नीवने के लोगों को जाकर बता, नहीं तो वो नीवना नाश हो जाएगा, मेरे बारे में जाकर बता, जा जाकर मेरा प्रचार कर। वो जहाज पर चढ़ गया, पर परमेश्वर की बात से वो भागा। लिखा नीवने की जगह वो तर्सुस को गया। किधर गया? तर्सुस को। जब वो परमेश्वर की बात से भागा तो मुसीबत आई। भागना नहीं है परमेश्वर की बात से, उसे पूरा करना। तूफान आ गया समुद्र में, बोलो क्या है? सब अपने अपने जो भी वो खुदा को मानते वो जहाज में जितने यात्री थे सब पुकार रहे थे, क्योंकि जहाज इतना तूफान है समुद्र में वो डूब जाएगा। सब सारा सामान जो राशन था जो भी उन्होंने रखा था खाने की चीजें वो भी समुद्र में फेंक दी ताकि हम बच जाएं। तब सब पुकार रहे अपने अपने परम खुदा को, बोलो क्या है? तब किसी ने देखा कि यूना तो जहाज के निचले भाग में सोया हुआ आराम के लिए, उसे उठाया और बोला देख हम मरने वाले, तू सोया हुआ है, उसे भी उठाया। कहता तू भी अपने खुदा को क्या कर है? जब उसने पकारा तो उसने ऐसे प्रार्थना की, हे जल थल, कैसे प्रार्थना की? हे जल थल के खुदा, इस दुनिया को बनाने वाले, इस समुद्र को बनाने वाले। जब उसने ऐसे प्रार्थना की तो वो हैरान हो गए उसकी बातें सुनकर। बोलो क्या भाई? वो हैरान हो गए, वो पूछने लगे तू किसको मानता है? बोलो क्या, तू किसको मानता है? तब उन्होंने चिट्ठियां डाली ऐसे, देखते हैं किस कौन मनुष्य पापी जिसके कारण ये मुसीबत हम पर आई। बोलो क्या, कौन मनुष्य पापी है जिसके कारण मुसीबत आई? तो लिखा चिट्ठी यूहन्ना, यूहन्ना के नाम से निकल आई। यूहन्ना को पूछा तू बता कौन सा पाप करके आया, क्या क्या तूने गलती की है कि ये तेरे कारण आई? तब यूहन्ना ने बताया हाँ, मैं परमेश्वर की बांध से भागा, मुझे जहाज से उठाकर पानी में फेंक दो तो ये जो तूफान है ये शांत हो जाएगा, क्योंकि पानी की जो शल्ले वो इतनी इतनी ऊपर जा रही है। कहता मुझे फेंक दो पानी में, अपने आप समुद्र शांत हो जाएगा। वो कहते हम क्यों ये पाप करें? कहता नहीं, तुम्हारा पाप तुम्हारे सिर नहीं आएगा, फेंक दो जो मैं बोल रहा हूं। और उन्हें उठाकर जैसे यूहन्ना को पानी में फेंक दिया, लिखा तब पानी शांत हो गया, समुद्र शांत हो गया पूरी तरह। अब वो यूहन्ना तो मर जाएगा फिर। बोलो क्या है? यूहन्ना तो मर जाएगा, पर लिखा परमेश्वर ने एक बड़ी बड़ी मछली को भेज दिया, वो यूहन्ना को निगल गई, मुंह से अंदर उसने उसको डाल लिया और पूरे निचले हेठले बाग में चले गई। क्या चले गई? अब निचले बाग में चले गई, समुन्द्र के बहुत नीचे। अब वो अंदर से आए, बोलो कैसे निकले? अब वो मछली के पेट के अंदर से पुकार रहा है, किसको? बचा ले परमेश्वर, मैंने गलती की, अब नहीं करूंगा। कई बार हम गलतियां करते हैं तो हम रिपेंट करते हैं, अपने आप को पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर माफ करता, तुम्हारी जिंदगी में गवाहियां बनती है, तुम्हारे रास्ते खुलते हैं। होता है ना ऐसे भी? होता है कि नहीं होता? जब भागेंगे परमेश्वर की बात से तो फिर मुसीबतें आती हैं, पर जो बना रहता है उसकी इच्छा को पूरा करता है वो बचा रहता है। पर उसने फिर रिपेंड किया, पश्चाताप किया, परमेश्वर माफ कर। क्या कर दे उसकी? पढ़ना यूहन्ना की किताब में पढ़ना, उसने कैसे कैसे फिर प्रार्थना की, कैसे मांगना शुरू किया, अपनी बातें कहने लगा खुदा से। और जब कही तो परमेश्वर ने सुनी, उसी मछली के पेट के अंदर। पहले तो ये बड़ा सामर्थ्य का ये चिन्ह था कि कोई भी बंदा किसी के अंदर, चाहे वो ऐसे उसने उसे चबाया नहीं, अंदर चला गया। हर एक के कुछ चीजें हम जब खाते हैं, मान लो कई बार अंगूर डाला मुंह में तो वो सीधा चला गया, तो क्या कर देती है अंदर की मशीनें, उसकी चटनी बना देती है, बन जाती है कि नहीं चटनी उसकी? हमने तो अंगूर हमारे अंदर क्या चलेगा सीधा, बादाम चला गया सीधा अंदर, एक अंदर की जो सिस्टम है वो चटनी बना देती है। अगर वो मछली के पेट के अंदर वो अगर ऐसे चला गया तो अंदर का सिस्टम ऐसा वो ऐसे उसकी चटनी बना देगा। पर उसने जिंदा किसने रखा उसे, जिंदा किसने उसे रखा? उसी खुदा ने जिस पर आप विश्वास करते हो। सुनो सुनो मेरी बात ध्यान से।
परमेश्वर ने फिर मछली को जब उसने पुकारा तो वहीं जहीं से वो भाग रहा था, उसने कहा वहीं पे उस मछली ने ऐसे मुंह से उसे क्या किया, मुंह से जैसे क्या बोलते हैं उसे, निवाला बाहर को ऐसे करके जैसे फेंक दिया मुंह से अंदर। और फिर उसे वो उसी नगर में गया, उसने यहोवा का उस परमेश्वर का प्रचार किया जो नीवना पाप कर रहा था, नाश होने वाला था। बोलो क्या था, क्योंकि कौन नाश करता है, जब भी पाप बढ़ता है, बोलो जब भी इस पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तब बाबा आती है, बीमारियां आती हैं, महामारी आती, जैसे कोरोना आया पाप बढ़ने से आती है। उसमें हम भी तो बीच में आते ही हैं ना, फिर अगर हम अच्छे विश्वासी ने जब ये महामारी आएगी तो एक विश्वासी भी अगर पूरी तरह परमेश्वर के साथ नहीं तो वो भी मारा जाएगा। मैं सच्ची कह रहा हूं, अगर एक एक अच्छा विश्वासी नहीं है, अगर वो भी वो खुदा के साथ अच्छे रिश्ते से चल नहीं, वो भी मारा जाएगा उसी महामारी के पाप के कारण। पर नीवनी पाप में बढ़ गया, परमेश्वर नहीं उसे, शैतान नाश करने वाला था पाप के कारण। पर परमेश्वर ने यूना को भेजकर, यूना ने प्रचार किया यहोवा का, उस परमेश्वर का, और नीवना लिखा बचाया गया। आमेन।